सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने बडिंग तक डिस्कस किया था। अब देखिए, टिश्यू कल्चर क्या है? ये एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या। अगर सोचिए आपको एक प्लांट का बहुत सारे आपको प्लांट्स चाहिए, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेट नहीं कर सकते। मतलब सीड से सोचिए वो प्लांट बने, उसका वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। और हमें अगर सोचिए उस प्लांट का इकोनॉमिकल नीड है, मतलब हमें जरूरत है उस प्लांट का। सोचिए जैसे वो किसी दवाई बनाने में आपको यूज होता है या किसी और काम के लिए ना, फ्रूट फल सब्जी हमें सब तो प्लांट से मिलता है। तो हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होगा, मतलब आप समझ लीजिए कि एक आर्टिफिशियल तरीका है जिससे हम प्रोपोगेट करते हैं प्लांट को, मतलब और प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इसमें सोचिए ना एक सिंथेटिक मीडियम होता है। सिंथेटिक मीडियम मतलब ओरिजिनल कंडीशन में जैसे प्लांट प्रोपोगेट करते हैं वैसा नहीं, सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, जो हम बनाते हैं, ओके, सिंथेसाइज करते हैं, ऐसा एक अलग सा मीडियम होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उससे हम लोग नया प्लांट जनरेट करेंगे। ओके, सो पहले इसको रीड करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय सेल्स और टिश्यूज, ये सेल या टिश्यू या ऑर्गेन उस पुराने प्लांट का ही होगा, उस प्लांट से नया जनरेट करना है। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गेन्स इन अ सिंथेटिक मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन। ये बहुत आस्क क्वेश्चन है, पूछता है व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर। तो आप लिखेंगे इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय सेल। अब देखिए उस प्लांट को प्रोड्यूस करें तो उसका कुछ अंश तो लेंगे ना, कुछ पार्ट तो लेंगे। तो उसका कोई सेल ले लिया, टिश्यू लिया, ऑर्गेन लिया, इन अ सिंथेटिक मीडियम, एक सिंथेटिक मीडियम लेंगे जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करे। जैसे हम लोगों का सोचिए जो प्लांट होता है उसको हम मिट्टी में, मिट्टी उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मिट्टी में हम लोग खाद देते हैं, पानी देते हैं, वैसे हमें एक सिंथेटिक मीडियम की जरूरत होगी। वैसा नहीं कि ऐसे ही प्लांट हम प्रोपोगेट कर रहे हैं बिना मीडियम के ना। तो सिंथेटिक मीडियम फर्स्ट तो क्या करते हैं, देखिए प्रोसेस, पहले हम एक छोटा पीस लेंगे उस प्लांट टिश्यू का, और मतलब वो कोई ऑर्गेन लिए या सेल लिए, टिश्यू लिए, ठीक है। इट इज देन आइसोलेटेड इन अ स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट। स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट क्यों, देखिए स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप कोई प्लांट बना रहे, अगर आपका प्लांट ही खराब बना, मतलब बंद तो गया, चलिए अब उसमें क्या है, फ्रूट नहीं दे रहा है या कुछ और दिक्कत हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया उसमें। ओके, तो एक स्टरलाइज एनवायरनमेंट में होता है, सच एज अ टेस्ट ट्यूब, जहां कोई इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है। दिस टिश्यू इज देन नरिश्ड विद अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम। नरिशमेंट देना पड़ता है, देखिए हमने जैसे कहा, जैसे हमारा रूट हो, जैसे हमारा मट्टी होता है, मिट्टी में खाद देते हैं, पानी देते हैं, वैसे यहाँ पे भी नरिशमेंट की जरूरत होती है ना, तभी प्लांट ग्रो करेगा। आप सोचिए कोई पार्ट ले लिए, सोचिए उस पार्ट को कोई नरिशमेंट देंगे तब ना वो ग्रो करेगा, ठीक है, इन अ सूटेबल और सूटेबल विद अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम। ओके, अब देखते हैं गिवन। अब देखिए प्रॉपर कंडीशन की जरूरत है। अब देखिए हम उसके बाद हम लोग को प्रॉपर, देखिए बहुत ध्यान से करना होता है इसमें ना, ये मतलब साइंटिस्ट लोग करते हैं। इसमें क्या होगा ना, वो आप उसका पार्ट लिए, एक सूटेबल नरिशिंग मीडियम स्टेलाइज्ड टेस्ट ट्यूब में उसको लिए और एक नरिशिंग मीडियम लिए। ओके, फिर प्रॉपर कंडीशन भी ये देखिए, बहुत धूप आ रहा है, कंडीशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो फिर एन एंटायर प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम टाइनी बिट्स ऑफ टिश्यू और इवन फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट मेथड है, एक सिंगल सेल, छोटा सा बिट ऑफ टिश्यू से भी पूरा प्लांट रीजनरेट कर रहे हैं। द प्लांट प्रोड्यूस इन दिस वे फॉर्म क्लोन, जिसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोनिंग तो आपने वैसे भी सुना होगा, ओके, कि क्लोन बना रहे हैं। क्लोन मतलब कि आप सोचिए, एक सोचिए छोटे उससे बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं। एक आप सोचिए पार्ट लिए उसको टेस्ट ट्यूब में, या स्टरलाइज मीडियम, स्टरलाइज था, फिर आप सूटेबल मीडियम लिए और उससे आप बहुत सारा प्लांट बना लिए, जिसे ग्रोथ क्लोन कहते हैं। क्यों इसे क्लोन कहते हैं, क्लोनिंग क्या होता है, क्योंकि उसको एक सिंगल पेरेंट प्लांट से बना, एक ही पार्ट था आपका, एक सोचिए एक पेरेंट, एक प्लांट था आपका सोचिए, ठीक है, उसके किसी पार्ट से आप बहुत सारा बना लिए, जिसे क्लोनिंग कहेंगे। ओके, अब देखिए टिश्यू कल्चर इज मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन द सैंपल्स टू बी रीजनरेटेड कम फ्रॉम अ प्लांट्स मेरिस्टेम। अब देखिए अगर आपको टिश्यू कल्चर करना है ना, तो प्लांट के मेरिस्टेम से आपको पार्ट लेना, मतलब लेना पड़ेगा वो जो पार्ट आप ले रहे हैं जिससे आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो वो मेरिस्टेम से। मेरिस्टेम क्यों, मेरिस्टेम होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन, वो रीजन ऑफ ग्रोथ होता है जो ग्रो करेगा। अब देखिए अगर वहां से जो ग्रो करेगा, फास्ट फास्ट ग्रो करेगा, वहां से आप लेंगे तो फटाफट ग्रो करेगा, जल्दी आपको प्लांट मिलेगा, तो बेस्ट होता है वो। ओके, तो पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर इज मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन द सैंपल्स टू बी रीजनरेटेड कम फ्रॉम अ प्लांट्स मेरिस्टेम्स। द मेरिस्टेम्स आर द एरियाज सच एज, देखिए मेरिस्टेम कौन सा, एरियाज ऑफ ग्रोथ सच एज ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम और रूट, वेर द सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, जहां सेल एक्टिवली मतलब अच्छे से सेल डिवीजन हो रहा है। दिस मेथड ऑफ प्रोपोगेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेज, इसका एडवांटेज देखिए, द ग्रोइंग टिप्स यूज टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आर जनरली फ्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अब देखिए बात क्या है, जो हमारा सोचिए कि ये प्लांट है, इसका जो ग्रोइंग टिप है, सोचिए स्टेम है, उसका जो टिप है सोचिए, वो क्योंकि अभी नया बना है ना, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो अगर उसको लेके आप प्रोपोगेट कराएंगे तो अच्छा है ना, इन्फेक्शन नहीं होगा,
तो ये वाला बात कह रहा है, द ग्रोइंग स्टेप यूज टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आर जनरली फ्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन। कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, वरना पता चला आपका प्लांट तो बन गया, बीमार सा प्लांट बना, आप उसे किसी काम में यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ग्रोइंग टिप लेते हैं, क्योंकि वो तो नया बना है ना, ग्रो कर रहा है, सोचिए ऐसा था ये भी इतना बन गया तो यहाँ से ले लेंगे थोड़ा, ठीक है। बट सच इन्फेक्शन टेंड टू पास फ्रॉम वन। अब देखिए आपको पता है ना, हम लोग ह्यूमंस में भी तो डिजीज होता है, जेनेटिक डिजीज होता है, कि अब हमारे पेरेंट्स को है तो हमको डायबिटीज, पेरेंट्स को होता है तो हमको भी हो जाता है, उसे हमारे बाद की जनरेशन को भी होगा। तो इसमें क्या होता था कि ये जो इन्फेक्शन है टेंड टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट व्हेन सीडलिंग्स आर प्रोड्यूस बाय नेचुरल प्रोपोगेशन ऑफ ग्राफ्टिंग। अब देखिए अगर आप सोचिए कि नेचुरल प्रोपोगेशन मतलब सीड वगैरह से कर रहे हैं या फिर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो डिजीज क्या होता है प्रोपोगेट हो सकता है, पर जनरली अगर इससे करें सोचिए इसमें तो देखिए वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। और इट यील्ड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हेल्दी यूनिफॉर्म प्लांटलेट्स इन अ शॉर्ट टाइम। कि टाइम का बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो हेल्दी, हेल्दी क्यों, हमने मेरिस्टेमेटिक रीजन से लिया उसके टिप से, तो वहां तो वायरल इन्फेक्शन था नहीं, बहुत हेल्दी होगा, बहुत सारे बना सकते हैं और टाइम बचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोचिए बहुत सारी खेती खेती करनी है तो सब्जी सप्लाई करना है, अब आप थोड़ी बैठ के सीड से निकलेगा प्लांट उतना वेट करेंगे ना, हमें तो पूरा अपना रिक्वायरमेंट मीट करना है। तो इट यील्ड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हेल्दी यूनिफॉर्म प्लांटलेट्स इन अ शॉर्ट टाइम। ओके, अब देखिए ये वाले पॉइंट को एक अच्छे समझते हैं। द ग्रोइंग टिप्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आर जनरली फ्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन से इनका टिप तो फ्री होता है, लेकिन बट सच इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकते हैं अगर सीडलिंग प्रोड्यूस हुआ नेचुरल प्रोपोगेशन या ग्राफ्टिंग से, सीडलिंग प्रोड्यूस हुआ तो वो पास हो सकता है, ठीक है। तो हम इसलिए ये क्या लेते हैं, ये हम मेरिस्टेमेटिक रीजन से लेते हैं जो वायरल इन्फेक्शन से फ्री हो, ये आपको लिखना है। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये बहुत सारे क्वालिटी जो हमने बताया ना, टाइम का इशू तो है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारा क्या होता है हेल्दी यूनिफॉर्म प्लांटलेट बनाएगा। ओके, ये हमारा हो गया माइक्रो प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर क्या है। अब हुआ कि स्टेप क्या होता है टिश्यू कल्चर का, तीन स्टेप होते हैं देखिए, कैलस स्टेज, प्लांटलेट स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज। तो कैलस स्टेज क्या होता है आपको ये लिखना आना चाहिए, वो पूछते हैं कि स्टेप्स क्या होता है टिश्यू कल्चर का, आप बोलेंगे कैलस स्टेज, प्लांटलेट स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। अब कैलस स्टेज क्या है, कैलस स्टेज इसमें क्या होता है, टिश्यू इज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम। हमने कहा ना जैसे हम रूट में, हम सोचे कि मिट्टी में ग्रो करते हैं प्लांट को नॉर्मली, तो भाई वहां खाद डालते हैं पानी डालते हैं, तो कैलस स्टेज में क्या होता है, जो टिश्यू है जो प्लांट का आपने पार्ट लिया है छोटा वाला टेस्ट ट्यूब में, उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं जब तक वो अनऑर्गेनाइज्ड मास, जिसे कहते हैं कैलस, मतलब एक ऐसा ही था कि अनऑर्गेनाइज्ड मास से कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, ये पहला स्टेज है। फिर हमारा सेकेंड स्टेज आया कौन सा, प्लांटलेट स्टेज। ओके, अब देखिए प्लांटलेट स्टेज में क्या होता है, द कैलस इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर मीडियम, देखो पहला दूसरा मीडियम था अब दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होगा फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मतलब अब जैसे अनऑर्गेनाइज्ड मास है ना, वो ग्रो करेगा, मतलब वो और ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, मतलब अब आपको धीरे धीरे ना पता चलने लगेगा कि अच्छा प्लांटलेट की तरह, अच्छा ये पत्ती है ये स्टेम है ऐसे। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, द प्लांटलेट्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू सॉइल और पॉट्स वेयर दे ग्रो टू मैच्योरिटी। मतलब नाम से समझ में आ रहा है ना, मैच्योरिटी स्टेज में मतलब अब कोई पॉट है, सोचिए प्लांटलेट तो बन गया, उसको फट से आप एकदम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे पॉट में, तो मैच्योरिटी अब ये नॉर्मल प्लांट की तरह यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ स्टेप्स इन टिश्यू कल्चर। मतलब देखिए एक और बार रिवाइज करते हैं, कैलस स्टेज मतलब जो आपका सोचिए पार्ट है जिससे आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, वो आप पार्ट आपने लिया, ठीक है, उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम बहुत जरूरी है, आपको भूलना नहीं है, न्यूट्रिएंट मीडियम में लिया, ओके, जब तक एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बना जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस क्या होता है, व्हाट इज कैलस, ये भी पूछता है, फिर वो ये क्या बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में दिया सकता है कि कैलस क्या होता है, ठीक है। फिर प्लांटलेट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, कैलस का प्लांटलेट मतलब अब कैलस को हम ऐसे दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे जहां ये ग्रो करेगा मतलब बढ़ेगा और डिफरेंशिएट करेगा। फिर मैच्योर होगा वो, जब वो मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी में क्या होगा, प्लांटलेट को पॉट में कर देंगे, ठीक है, फिर सॉइल में कर देंगे जहां वो नॉर्मल फिर ग्रो करेगा, फिर हमें वहां से प्लांट मिल जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसको, ये डायग्राम को बस आप समझ लीजिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। टिश्यू इज स्क्रेप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट ऑन टू अगर, देखिए अगर एक ऐसा मीडियम है ना, अगर में लेते हैं, ठीक है, अगर जेली, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है ना, हम टिश्यू को स्क्रेप करके मतलब थोड़ा सा टिश्यू लेके अगर में रिमूव करते हैं, स्टेलाइज मीडियम मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। द अगर कंटेन्स न्यूट्रिएंट, अगर में क्या होता है न्यूट्रिएंट होता है, शुगर होगा सॉल्ट होगा जो जरूरत है। अब देखिए वो कौन सा प्लांट है कैसा प्लांट है उस पर डिपेंड करेगा ना, वो हम ऐसे नहीं कह सकते, वो प्लांट के हिसाब से होगा, मतलब उसमें शुगर है सॉल्ट है न्यूट्रिएंट्स है मतलब न्यूट्रिशन है सारा। और ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीन हमारा ग्रोथ हार्मोन है, आप आगे पढ़ेंगे, ऑक्सीन हमारा ग्रोथ हार्मोन है, मतलब जिससे क्या है ना वो प्लांट ग्रो करना चाहिए, ऐसा तो नहीं अब उसको बस न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिए तो वहां ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए जिससे वो ग्रो करेगा, क्योंकि नेचुरली जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना उनको वो ऐसे हार्मोन से ग्रो करते हैं, जैसे हमारे ह्यूमंस में हार्मोन होते हैं प्लांट हार्मोन भी होते हैं, ठीक है। कैलस स्टेज हुआ,
अब उसके बाद तो देखिए कॉमन ही है ना, प्लांटेड स्टेज द कैलस आर ट्रांसफर टू फ्रेश अगर, अब वो दूसरे मीडियम में जाएगा, पहले हमने बताया था दूसरे मीडियम में जाएगा, फ्रेश अगर, द फ्रेश अगर कंटेन्स अ हार्मोन टू प्रमोट रूट एंड स्टेम ग्रोथ फॉर्मिंग प्लांटलेट, मतलब पहले क्या हुआ, पहले वाले में ऑक्सिन था जो थोड़ा सा ग्रो करवाएगा, अब रूट और स्टेम फॉर्म करेगा, जो प्लांटेड स्टेज में ना हमारा ये है, सोचिए प्लांटेड में क्या है, रूट होता है, स्टेम फॉर्म करेगा, ठीक है, ये हमारा प्लांटलेट स्टेज हुआ। अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, जब प्लांटलेट बन जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, एक पॉट में, पॉटिंग कंपोस्ट, जब वो नॉर्मली वो ग्रो करने लगेगा, मतलब मिट्टी में डाल दीजिए या फिर पॉट में अपने डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा मैच्योरिटी स्टेज है, ये आपको ध्यान में रखना है ना बहुत, ये मीडियम के बारे में ना, कि पहले मीडियम में मतलब क्या होगा, देखिए स्टरलाइज तो होगा ही, पहले स्टरलाइज रखना, इन्फेक्शन वाला नहीं, फिर आपको मेरे स्टेम से लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर में, अगर इसका मीडियम होता है, नाम नहीं भूलना है आपको, उसमें शुगर सॉल्ट होगा, ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, फिर नेक्स्ट वाले में आपको दूसरे फ्रेश अगर में देना है, जो हमारा प्लांटेड स्टेज है, वहां पे आपको रूट और स्टेम ग्रोथ हार्मोन देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको नॉर्मल मिट्टी में प्लांट कर देंगे या फिर पॉट में, ओके। तो ये हमारा हुआ टिश्यू कल्चर, थैंक यू।